वेलकम टू मैजिक पेंसिल पार्ट 4। आई होप आपने बाकी 3 पार्ट भी जरूर देखे होंगे। पार्ट 4 का नाम है मैजिक पेंसिल एंड डॉग। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आशु, आशु तूने मेरा वेट क्यों नहीं किया? यार वो ना, मैं सांची के बारे में सोच रहा था। पता नहीं उसने हमें अपने बारे में झूठ क्यों बोला। हम तो उसके कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे ना। हाँ, तो उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आशु छोड़ना इस बात को, चलना घर चलते हैं। चल। मेरी मैजिक पेंसिल, मम्मी ना मामा जी की शादी की शॉपिंग में इतनी बिजी है कि मुझे पूछना ही भूल गई कि बेटा तूने खाना खाया है कि नहीं। पता क्या बना के गई है? करेले। मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैजिक पेंसिल, फिलहाल ना मेरा चॉकलेट पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक टेस्टी सी चॉकलेट पेस्ट्री ला सकती हो? हाँ मम्मी। आशु बेटा, मैंने करेले बनाए हैं, खा ले। मम्मी मुझे नहीं खाने करेले। चुपचाप से खा लेना, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं भी आपके साथ मामा जी की शादी में चलूं क्या? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन मम्मी क्यों? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है मम्मी, बाय बाय। हाय जग्गू। हाय आशु। चल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ आशु। हाँ? तू उदास क्यों है? यार मम्मी पापा ना मामा जी की शादी में जा रहे हैं। तू नहीं जा रहा? इसीलिए तो मैं उदास हूँ। तू क्यों नहीं जा रहा है? वो हमारे बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं ना। हाँ। तो मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूं। अच्छा। मैंने सोचा था मामा जी की शादी में जाके उनकी बारात में नाचूंगा, अपने कजन्स को मिलूंगा, पर अब मुझे घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आशु तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके खूब मजे करेंगे पढ़ाई करके। चल क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल। हाँ मम्मी, आप लोग पहुँच गए एयरपोर्ट? हाँ बेटा। अच्छा सामान का ध्यान रखना। हाँ और मम्मी, मेले ना दिल्ली से मेरी फेवरेट मिठाइयाँ गच्चक और मूफियाँ लेके आना। और हाँ, कोई भी रिश्तेदार मुझे पैसे देगा ना तो खुद मत रख लेना, मुझे देना। हमेशा आप मेरे पैसे ना खुद रख लेते हो। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में मम्मी आंटी आके तुम्हें खाना दे देगी, खाने की टेंशन मत लेना। गोगी आंटी तुम्हारे खाने का ध्यान रखेंगी। ओके मम्मी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू बेटा, पहुँच के मुझे फोन करना। ओके बाय बाय। मैजिक पेंसिल, अब एक हफ्ते तक ना मैं घर पे अकेला हूँ, मैं कितना बोर हो जाऊंगा। काश घर पे कोई होता जिसके साथ मैं खेल सकता, मस्ती करता, खूब इंजॉय करता। पर अब ना मुझे एक हफ्ते तक घर पे अकेला रहना पड़ेगा, कितना बोर हो जाऊंगा मैं। लगता है पम्मी आंटी खाना लेके आई है। चौल लेके आई। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। कड़ी चावल। हाँ डॉग, ये डॉग कहाँ से आया? काश घर पे कोई होता
जिसके साथ मैं खेल सकता, मस्ती करता, खूब एंजॉय करता। हाँ, मैंने तो अनजाने में डॉग को ड्रॉ किया था और ये डॉग सच में आ गया। मुझे लगा था कि एक हफ्ते तक ना मैं घर पे अकेला बोर हो जाऊंगा, पर अब तुम आ गए हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ खूब मस्ती करूंगा, खूब खेलूंगा, खूब एंजॉय करूंगा। मम्मी को ना डॉग पसंद नहीं है, पर एक हफ्ते तक मम्मी बाहर है ना, तो एक हफ्ते तक तुम हमारे घर पे रह सकते हो। थैंक यू मैजिक पेंसिल, मुझे इतना अच्छा साथी देने के लिए। क्यूटी पाई, खेलने चलें? चलो। मेरे क्यूट फ्रेंड, अब तो तुम्हारा नाम भी सोचना पड़ेगा जल्द ही। जब तक मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है ना, तब तक हम मिलके खूब मजे करेंगे, है ना मैजिक पेंसिल? एक काम करता हूं, इसको ना जग्गू से मिलाता हूं। हेलो आशु। सुन जग्गू, तूने जल्दी से ना मेरे घर आ, मैं ना तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ। किससे? अरे तू आ ना मेरे घर, तब बताऊंगा तुझे। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, तू जल्दी आ। बाय। हाँ। बाय। अरे जग्गू आजा। आशु। हाँ? तू मुझे किससे मिलवाने वाला था? मैं ना तुझे, मम्मी का फोन आया होगा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जग्गू, आशु बचा, आशु, आशु, जग्गू, देखना कितना प्यारा है ये। डर मत, डर मत, ये कुछ नहीं करेगा। अपना हाथ लेके आ। नहीं, नहीं, नहीं। टच कर इसको। आशु, क्या नाम है इसका? कहाँ से आया और तेरे घर में क्या कर रहा है? इसका नाम ना मैजिक है, मैजिक। ये ना हमारी पड़ोस वाली आंटी का है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है ना, तो ये ना अभी फिलहाल मेरे साथ रह रहा है ना ये प्यारा। मैजिक कितना प्यारा नाम है, है ना? हाँ। मैजिक, ये ना मेरा बेस्ट फ्रेंड जग्गू है, तुम्हारी तरह। देखा, इसने कुछ नहीं किया ना। हाँ। पकड़ना इसे। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है। इस मैजिक ने तो थका दिया, पूरा दिन बस दौड़ता ही रहता है। पूरी बॉडी में ना नाखून ही नाखून मार दिए उसने। हाय आशु। हाय जग्गू। आशु। हाँ? मैजिक कहाँ है? अरे वो बहुत मस्ती कर रहा था ना, तो जबरदस्ती सुला के आया हूँ उसे। आशु पता है, पहले ना मुझे डॉग से बहुत डर लगता था, जब से मैं मैजिक से मिला हूँ ना, मेरा डॉग का डर बिल्कुल दूर हो गया है। अब तो मैं किसी भी डॉग के साथ खेल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं जग्गू, हर डॉग का नेचर सेम नहीं होता। जिस तरह से मैजिक फ्रेंडली है ना, हाँ? क्या पता कोई और डॉग ना हो, तो किसी भी डॉग के साथ खेलने से पहले ना उसका नेचर जान लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? हाँ, आशु। हाँ? चलो ना मैजिक के साथ खेलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो अभी सो रहा होगा, क्या पता उठ गया हो तो। अरे चलना। अरे नहीं। हाँ।
मैजिक, लगता तेरा घूमने जाने का मन नहीं है, मैं अकेले खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? बाय। मैजिक बाय, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। अरे ट्यूशन तो जाने दे। अरे छोड़ मुझे। हाय आशु। हाय आशु, मैं ना मैजिक से मिलने आया हूँ। खाएगा? हाँ, केला ना मुझे बहुत पसंद। समोसा है। भी खाएगा? लेके आऊँ तेरे लिए। आशु समोसा ना मैं 5 खा के आया हूँ, मम्मी ने बनाए थे ना। देख मैजिक, तूने ये नहीं खा सकता, तुझे पता ना तू मैजिक पेन। क्या आशु? नहीं, कुछ समझा नहीं। ये ना उस वाली जो बिल्डिंग है हमारे घर की, तो इस तरह वाली बिल्डिंग है, वहां वाले 6th फ्लोर। कौन से वहां वाला? मैजिक काट ले इसको। नहीं, काट ले, नहीं, काट ले। नहीं। चुपचाप केला खा। मेरी मैजिक पेंसिल, थोड़े दिनों में ना मम्मी पापा वापिस आ जाएंगे और उसके बाद मैजिक को मुझसे हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा। ये सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैजिक पेंसिल, काश ये हमेशा के लिए मेरे पास रह सकता। मैं मैजिक के बिना कैसे रह पाऊंगा, है ना मैजिक? हाँ मम्मी। बेटा हमारी फ्लाइट लैंड हो गई है और हम 1 घंटे तक घर पहुंच जाएंगे। क्या? 1 घंटे के अंदर? हाँ बेटा, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है मम्मी, बाय। बाय। मैजिक, मम्मी पापा बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं और अब तुझे जाना होगा। Thank you.
मैजिक पेंसिल, मुझे मैजिक की बहुत याद आएगी। डोंट वरी आशु, तुम्हें जब भी मैजिक से मिलने का मन करे तो तुम उसे ड्रॉ करके बुला लेना। हाँ मैजिक पेंसिल, मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं मैजिक को कभी भी ड्रॉ करके बुला सकता हूँ। अब से मुझे मैजिक को जब भी मिलने का मन करेगा तो मैं उसे ड्रॉ करके यहाँ पे बुला लूंगा, है ना मैजिक पेंसिल? फटाफट से मौक में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें और कौन सी न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा क्यूट सा मैजिक कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।